नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऐसे सटोवर्ड यूट्यूब चैनल में। तो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था इसी बाइक के ऊपर, जो ओडिसी इवोक 1S जो इलेक्ट्रिक बाइक है, तो आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा रहेगा तो आप पहले वो वाला वीडियो देख सकता है, उसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर दिखता रहेगा। तो आज इस वीडियो में हम ये जो इलेक्ट्रिक बाइक है जो स्पोर्ट्स वर्जन में आती है, इसका जो लुक है आप देख ही रहे हैं, पूरी तरह से स्पोर्ट्स बाइक में बनाई है ओडिसी कंपनी ने। तो हम इस वीडियो में इसे चला के देखने वाले हैं, चलाने में कैसी है, पिकअप कैसा है, टॉर्क कैसी है, इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, ड्राइव पोजीशन कैसा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसे कैसे स्टार्ट करना है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे जो की है यहाँ पे ऑन करना है, इसके बाद यहाँ पे जो अनलॉक का स्विच है उसको अनलॉक करना है, इंजन कील स्विच उसको ऑफ करना है, और उसके बाद आपकी बाइक यहाँ पे जो ड्राइव मोड है लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे डालनी है और आप बाइक चला सकते हो। तो दोस्तों सिटिंग पोस्चर की बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया सिटिंग पोस्चर है, आपको जो स्पोर्ट्स बाइक है उसके जैसा ही फील आ जाता है बाइक के ऊपर बैठने के बाद। और जो फ्रंट फेसिया और जो फ्रंट का जो पैनल है बहुत ही खूब तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको डिज़ाइन किया है, आपको एक बड़ी सुपर बाइक के ऊपर बैठने का फील आ जाता है। पिकअप की बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया पिकअप है इस मॉडल के साथ, और जनरली जो मोटर का जो साउंड आता है तो इसमें जीरो नॉइज है मोटर का। तो दोस्तों हम इसे अभी हाईवे पे ड्राइव करके देखते हैं हाई स्पीड पे, किस तरह हाई स्पीड पे इसकी स्टेबिलिटी है। तो दोस्तों मैं इसको ड्राइव मोड पे चला रहा हूँ तो आपको मैक्सिमम 60 की स्पीड मिल सकती है। तो नाउ आई एम ड्राइविंग दिस एट 58 किलोमीटर पर आवर, 60 को मैंने टच किया है, आप शायद स्क्रीन पे देख रहे हैं। अभी मैं इसे स्पोर्ट्स मोड पे डालता हूँ, तो मैंने अभी इसको स्पोर्ट्स मोड पे डाला है। तो जैसे मैं इसको स्पोर्ट्स मोड पे डालता हूँ तो 70 का स्पीड अभी मुझे मिल रहा है, मोर देन 70, 75, 76, 77, 79, 80। तो दोस्तों जैसे कंपनी ने बताया था ओडिसी ने कि मैक्सिमम स्पीड आपको 80 प्लस मिल सकता है, तो मिल रहा है स्पोर्ट्स मोड पे। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि अनस्टेबल है बाइक 80 किलोमीटर पर आर पे चलाने के लिए। मैं तो बोल सकता हूँ कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं 80 के स्पीड पे बाइक चला रहा हूँ, एकदम स्टेबल बाइक है, आराम से आप सिटी में इसको चला सकते हैं। इसकी लेंथ और फ्रंट फेशिया की बात करते हैं तो बड़ी बाइक आप चला रहे हैं इसका फील तो आ ही जाता है, बट उसके बावजूद आप इजीली इसको ड्राइव कर सकते हैं। ब्रेकिंग की बात करते हैं तो ब्रेकिंग भी चेक कर लेते हैं क्योंकि इसमें डिस्क ब्रेक है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि डिस्क ब्रेक बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रही है। हाँ, हल्का सा जो एक्चुअल जो स्पोर्ट्स बाइक है उसकी तरह आपको जो बाइट नहीं मिल सकती, बट डेफिनेटली आपको इमरजेंसी में रुकना है तो रुक सकते हो, तो उतनी तो ब्रेकिंग पावर जरूर अच्छी तरह से है इसमें। हल्की सी आपके जो पैर रखने की जो लोकेशन है हल्की सी ऊपर है। मैंने बहुत सारे जो बाइक्स है, जनरली इलेक्ट्रिक जो बाइक्स है और स्कूटर है, इसमें हल्के से पैर रखने की जो जगह है या फुट पे गए वो हल्के से ऊपर ही होते हैं, बट इतनी तकलीफ वाली काम या तकलीफ वाली बात कोई नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक बाइक है तो बहुत सारे लोगों को जो क्वेश्चन रहता है कि मोटर और बैटरी जो इलेक्ट्रिक बाइक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ओडिसी कंपनी यहाँ पे 3 ईयर्स की वारंटी यहाँ पे आपको दे रही है। 3 ईयर्स में बैटरी और मोटर में
कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो डेफिनेटली ओडीसी कंपनी के तरफ से रिपेयर करके आपको मिल सकता है। इसके अलावा 1 लाख किलोमीटर की वारंटी भी आपको मिल रही है, तो दोनों आपको यहाँ पे वारंटी मिल रही है। तो दोस्तों इनिशियल टॉर्क की बात करते हैं, जैसे आप रोकते हैं और इसके बाद आप दोबारा जब चलाने के लिए स्टार्ट करती है तो हल्का सा लैग महसूस होता है, और वो इलेक्ट्रिक बाइक में या स्कूटर में हर एक कंपनी में वो होता ही है, हल्का सा लैग आप बोल सकते हैं। बट आप इलेक्ट्रिक बाइक चलाने का एक अलग ही मज़ा है, नो नॉइज, नो पोल्यूशन। तो दोस्तों डिज़ाइन की बात करते हैं तो मिरर भी बहुत ही खूबसूरत से, बहुत ही अच्छी तरह से कंपनी ने डिज़ाइन किया है। कंपनी ने यहाँ पे 150 केजी के आसपास लोड कैपेसिटी बताई है, बट उसके बावजूद यहाँ पे मैं मोर देन 150 केजी यहाँ पे लोड लेके चल रहा हूँ। अभी मेरे साथ पिलियन राइडर है, उनका वेट मोर देन 70 केजी के आसपास रहेगा, उससे ज़्यादा भी रहेगा। तो उसके बावजूद मुझे कहीं पे भी नहीं लगा कि पिकअप या स्टेबिलिटी में कहीं पे भी प्रॉब्लम है। तो चलाने के लिए सिटी ड्राइव के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इसकी जो प्राइस है करीबन 1,72,000 के आसपास है थाने सिटी में। और एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ, कंपनी ने इस मॉडल के साथ आपको C8 कंपनी के रेडियल टायर दिए है। यहाँ पे कंपनी ने आपको 3 मोड ऑफ ऑप्शन दिए है, जो आपको ड्राइव मोड, स्पोर्ट्स मोड और रिवर्स मोड मिल जाता है, और पार्किंग मोड। तो अभी मैंने इसको रिवर्स मोड पे लगाया है, और आपको रिवर्स मोड में करीबन 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलती है। तो ये देखो बाइक अपने आप पीछे जाती है। तो आपको पार्किंग करने में या रिवर्स लेने में आसानी हो सकती है इस मोड के साथ। की बात कर रहे थे अपन स्टेबिलिटी, मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है। आप आराम से इसे हाईवे पे, सिटी पे, कहीं पे भी चला सकते हो, आपको एक पेट्रोल बाइक के जैसी ही लगेगी। तो दोस्तों ये था ड्राइव एक्सपीरियंस पूरा इस बाइक के बारे में। तो आप एक स्पोर्ट्स बाइक लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल इस ऑप्शन में या सेगमेंट में, जो एक इको फ्रेंडली और पॉकेट फ्रेंडली बाइक आपको चाहिए, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है ओडीसी इवोक, जो 1,70,000 के आसपास आ जाता है। इसमें आपको फाइनेंस का ऑप्शन भी मिल जाता है, 3 इयर्स कंपनी वारंटी देती है इलेक्ट्रिक पार्ट के ऊपर और बैटरी के ऊपर, और 1 लाख किलोमीटर का आपको वारंटी मिल जाता है। तो दोस्तों लगभग आप एक 3 साल के लिए आप कैलकुलेशन करते हो, जनरली साधारण बाइक लेते हो तो आपको करीबन 200 रुपये का हर रोज का पेट्रोल आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से देखो कि हर रोज 200, तो मंथली आपको 6,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। 6,000 का ऊपर ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो करीबन 70,000 या 80,000 के आसपास कैलकुलेशन आता है। तो आपका जो 3 साल में आप 3 साल इस बाइक को चलाते हो, तो मुझे लगता है 2-2.5 साल में ही इसकी जो कॉस्ट है 1,70,000 वो आपको रिटर्न मिल जाएगी। पेट्रोल का जो खर्चा आ रहा है, मेंटेनेंस का जो खर्चा है, उसमें आपको रिटर्न मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको डेफिनेटली एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हो, बाइक लेना चाहते हो जो स्पोर्ट्स बाइक में आती है, तो डेफिनेटली आप ओडीसी इवोक के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों इस बाइक के साथ, मतलब ओडीसी इवोक के साथ, आपको करीबन 140 किलोमीटर की रेंज मिलती है एक चार्ज में। मतलब आप 6 आवर्स चार्ज करने के बाद आपको 140 किलोमीटर आप चला सकते हो इस बाइक को। तो ड्राइव रेंज मैंने अभी बताया 140 किलोमीटर। तो आपका ऑफिस या वर्क लोकेशन विद इन 10 किलोमीटर है या 20 किलोमीटर भी है, तो आप वीकली एक बार चार्ज करके आप इसे चला सकते हो। जैसे कि आप पेट्रोल बाइक में वीकली एक बार आप पेट्रोल डाल के उसको पूरा वीक चलाते हो, उस हिसाब से भी आप चला सकते हो। बहुत सारे लोगों को इलेक्ट्रिक बाइक का जो चार्जिंग का टाइम और चार्ज करने में टाइम नहीं है, तो आपके लिए ये भी कंपनी ने यहाँ पे ड्राइव रेंज बढ़ा के आपका ये तकलीफ दूर किया है। तो दोस्तों 1,70,000 में आपको इंश्योरेंस भी मिलता है, तो इनकेस कोई चीज़ डैमेज होती है, बहुत सारे लोगों को ये ऑप्शन रहता है या मन में क्वेश्चन रहता है कि इलेक्ट्रिक बाइक के साथ ये सारी चीज़ अपन को मिलते हैं कि नहीं,
तो आपको दोस्तों ये सारा ऑप्शन भी इस मॉडल के साथ मिल जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला हर एक नया वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।